अरहंगा टॉप के बाद वापस जो है वो तीरा बाग आ गए और रात हमने वहाँ पे बसर की। अगली सुबह क्योंकि 23 मार्च था, करारदादे पाकिस्तान का दिन था, तो हम तीरा बाग से पीर मेला तीरा मैदान गए। वहाँ पर एक प्राइवेट स्कूल में 23 मार्च की तकरीब में हिस्सा लिया। क्योंकि तीरा वैली में कोई भी गवर्नमेंट स्कूल नहीं है, वहाँ पर मुख्तलिफ 3-4 जो हैं वो प्राइवेट स्कूल हैं। तो ये जो स्कूल था ये मेरा गुल आफरीदी का था, तो वो हमारे होस्ट भी थे, वो हमें वहाँ ले गए। कंडीशन कोई बहुत अच्छी नहीं थी, छत भी टूटी हुई थी और हॉल की चार दीवारी भी नहीं थी। बहरहाल उस इलाके में ये एक बहुत अच्छी कोशिश और काविश है कि बच्चों को जो है वो वहाँ पर तालीम दी जा रही है। गुलार मक्के शाम हुए, गुलार सेकंड पोजीशन दे। टीचर लाफास को ऊंचे पकड़ के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे प्यारे बच्चों, हमारा मोटरसाइकिल की रैली लेके लाहौर से यहाँ आना हमें नसीब हुआ। पाकिस्तान की सालगिरह यानी कि पाकिस्तान की जब करारदाद मंजूर हुई थी उसका दिन है आज, और ये हमारे लिए बहुत आम दिन है।
اس جنگ کے بعد ہماری تعلیمی ایکٹیویٹی اور سرگرمیاں بھی دوبارہ سے اجاگر ہو گئی ہیں اور یہی ہماری خوش نصیبی ہے آج کے آج ہم ان بچوں کے ساتھ اسکول میں اتنی زیادہ تعداد میں موجود ہیں لہذا میں آپ کو یہ خاص طور پہ تنبیہ کرتا ہوں خصوصی طور پہ پیارے پیارے بچوں کو کہ اپنی تعلیمی سرگرمیوں کو جاری رکھیں اور جیسے بھی حالات ہوں ان کا مقابلہ کریں پہلے بھی آپ نے حالات کا بھرپور مقابلہ کیا ہے اور آپ کے ساتھیوں نے پوری عوام نے پاکستان آرمی نے اور اسکاؤٹس نے ادھر دہشت گردوں کو ہرایا ہے پیر بیلا گاؤں سے ہم دوبارہ تیرہ باغ گئے اور وہاں سے پھر ہم جو ہے مائلی راستہ لے کر ایک اور ٹاپ آتا ہے جس کو حیدر کنڈو کہتے ہیں اس کے بالکل اپوزٹ سائڈ پہ حیدر کنڈو ہے وہاں پر بھی بہت اچھے سین تھے بہت زبردست لوکیشن تھی اور وہاں پر بھی برف باری جو ہے وہ ہو رہی تھی اور سڑک پر جو ہے کافی برف گری ہوئی تھی تو وہ ایک بہت ہی زبردست پکنک اسپاٹ کہہ لیں یا ٹوریزم کے لیے ایک بڑی زبردست جگہ ہے اس وقت ہم حیدر کنڈو ٹاپ پر ہیں اور یہاں پہ کافی برف باری ہوئی ہے جس کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آگے والا راستہ جو ہے وہ فیزیبل نہیں ہے موٹر سائیکلس کے لیے تو ہمارے گارڈ نے کہا ہے تو بائکس جو ہیں آپ اپنی وہاں پہ پارک کر دیں اور پیدل جو ہے وہ آپ جو ہے آگے جا سکتے ہیں ہاں
अगर आप हैदर कंडो से वापस आए तीरा बाप की तरफ तो रास्ते में एक जगह आती है जिसका नाम बरबाग है। छोटा सा कस्बा है और वहाँ पे हमने अपने अफरीदी कबाइल के लोगों के साथ जो हमारे होस्ट थे उनके साथ लंच किया। हम इस वक्त बरबाग गांव में हैं जो आबादी तीरा का एक छोटा सा गांव है। बरबाग में जो चपली कबाब है वो एक खास मसाले के साथ तैयार किए जाते हैं। तो हमने वहां पे चपली कबाब नोश किए, बड़े ही लजीज थे, बड़े ही आला किस्म के और उनका उम्दा टेस्ट था। तीरा बाग से हम दोबारा पैंदा चीना आ गए। पैंदा चीना से एक राहदारी लेफ्ट साइड पे निकलती है जो जक्का खेल कबीले में जाती है और वही राहदारी आगे जो है अगर आप ले जाएं तो वो तोरखम बॉर्डर तक चली जाती है। आपको तो जो नीचे सड़क नजर आ रही है उसको पैंता चीना कहते हैं और वहाँ से अगर आप राइट हो जाएं तो आप तोरखम के लिए एक राहदारी सी है उस पे निकल जाते हैं। अब हम पैंता चीना से तोरखम के लिए जा रहे हैं। देखें कि यहाँ के जो पहाड़ हैं उनका पत्थर का रंग भी ग्रीन हो गया है। ये शायद इस वजह से है कि यहाँ इन पत्थरों में बहुत ज़्यादा मादनियाँ पाई जाती हैं।
सोहेल जो ट्राइब है, जब हम उस गांव में पहुंचे तो वहां पे चेक पोस्ट थी, हमें उस चेक पोस्ट पे जो है वो रोक लिया गया। और बहरहाल हमने बहुत कोशिश की कि हमें वहां से गुजरने दिया जाए, लेकिन उन्होंने हमें वहां से गुजरना जो है उन्होंने बताया कि ये ममनू है और आपको जो है वापस पैदा चीना जाना पड़ेगा, और पैदा चीना से फिर आप बाड़ा जाएंगे, और बाड़ा के बाद आप फिर बाब खैबर पहुंच सकते हैं, और बाब खैबर से आगे जो है वो तरखम जा सकते हैं। और वो हमारी ख्वाहिश थी कि हम उस ट्रैक से जो है सोहेल ट्राइब के अंदर से होते हुए हम अफगानिस्तान बॉर्डर जाएं, लेकिन हमारी ये ख्वाहिश पूरी ना हो सकी और हमें जो है वो वापस आना पड़ा। हम सोहेल कबीले की चेक पोस्ट पर आए और यहाँ पर रोक लिया गया। चेकिंग के बाद इजाज़त नामा मिलने के बाद हम यहाँ से क्रॉस करेंगे तरखम के लिए निकल पड़ेंगे। सोहेल ट्राइब की चौकी से हम वापस पैदा चीना आए, पैदा चीना से हम बाड़ा गए, और बाड़ा के बाद हम बाबे खैबर गए, और बाबे खैबर पे जाके हमने जो अपना सफ़र था ये वादिये तीरा का इसका एंड कर दिया। और आगे तो हम जाने का जो प्लान था या इरादा रखते थे उसको हमने तर्क कर दिया। सामने से आओ उधर देखो ना। बड़ा बाजार में है और हमारा एक बाइक ने 250 ने जो है वो स्टार्ट होने से इनकार कर दिया। मैकेनिक के पास है, आप देखते हैं इसको सही कर रहे हैं, इसको दोबारा स्टार्ट कर जब तक मोटरसाइकिल सही होता है कर्नल साहब जो है वो रेस्ट कर रहे हैं, मोटरसाइकिल जल्दी सही हो जाएगा। बाइक हमारा जो है वो स्टार्ट हो गया है और इसका स्टार्टर जो था वो खराब था, अब सही हो गया इंशाल्लाह, भी हम बाबे खैबर जाएंगे। ओके
उसमें